गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है ये WTO पे बना हुआ है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 12th मिनिस्ट्रेडियल कॉन्फ्रेंस, जो कि अभी 15 जून 2022 से हो रही है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, तो मीटिंग वहीं पर अकर है। इसमें 164 कंट्रीज़ होती हैं, जिसमें कि यहाँ पर हम इसके बारे में डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी जो स्टार्ट हुई है मीटिंग, इसमें कुछ ऐसे WTO की तरफ से ऐसे जो प्रस्ताव थे उसमें 3 ऐसे केस थे जिसमें भारत ने अस्वीकृति दी है, और उस भारत के फेवर में भी बहुत से देश आए हैं, 82 कंट्रीज़ फेवर में आई हैं, जिसके तहत ये इतनी न्यूज़ में है। तो चलिए देखते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के चीफ कौन हैं। वो हैं नगोजी ओकोंजो इवेला, और इसमें जो डिस्कस करते हैं वो रिलेटेड टू वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड फैसिलेशन, एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन एंड इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी इन मेडिसिनल सप्लाई चेन, इन सब के बारे में इसमें डिस्कस होना है। मिनिस्टर्स वुड ऑल्सो टेक अप द इशू ऑफ द फिशरीज सेक्टर, यही एक पॉइंट है जिसमें भारत ने अस्वीकृति दी है। फिशरीज सेक्टर में WTO का कहना है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अवैध तरीके से मछली नहीं, मतलब उस पर व्यवसाय को नहीं बढ़ाना है। लेकिन हमारे एग्रीकल्चर और भी ऐसी अदर कंट्रीज़ हैं जो उसमें सी के किनारे रहती हैं, तो उनके लिए जो आजीविका का साधन है वो यही है। तो अगर इस पे रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे या इसमें बहुत ज़्यादा रूल्स बनाए जाएंगे, देन इनमें दिक्कतें आएंगी, इनकी आजीविका में दिक्कतें आएंगी। तो इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें अस्वीकृति दी है कि उसमें इतनी ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्ट ना किए जाएँ। इसके फेवर में 82 कंट्रीज़ और हैं। चलिए देखते हैं आगे। प्रोहिबिशन टेम्परेरी नेचर ऑन कस्टम ड्यूटीज़ ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन विल ऑल्सो भी, इसमें ये टॉपिक भी डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अराउंड 50 सिविल सोसाइटी, 22 कंट्री से ऐसी सिविल सोसाइटी है जो कि MC12 को रिप्रेजेंट करेंगी, जैसे इंडोनेशिया, इंडिया, फिलीपींस, पाकिस्तान, घाना, पैसिफिक आइलैंड, मोरक्को, मलावी, उगांडा, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, जिम्बाब्वे, USA, ब्राज़ील, उरुग्वे, फ्रांस, बेल्जियम, नॉर्वे, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड एंड द UK। WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है WTO की। ये कॉन्फ्रेंस हमेशा 2 साल में होता है, बट COVID-19 के कारण 2021 का पोस्टपोन होकर के अभी स्टार्ट हुआ है 2022 में। इसका मेन पर्पस क्या होता है कॉन्फ्रेंस करने का, इसमें जो सेटल ट्रेड डिस्प्यूट्स बिटवीन मेंबर्स के बीच में, यहाँ पर व्यापार को लेकर के सेटलमेंट या उसके जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको नॉर्मल किया जाएगा। एनालाइज ट्रेड पॉलिसीज ऑफ मेंबर कंट्रीज सच एज एंटी डंपिंग मेजर्स, सब्सिडीज़, अब इन्होंने सब्सिडी उसी में हटाई है ना, जैसे एग्रीकल्चर को, फिशरीज़ को लेकर के, तो इनकी जो सब्सिडी को अगर वहाँ हटाओगे, अगर किसानों को सब्सिडी नहीं मिलेगी सिंचाई में लेकर या बिल में छूट नहीं मिल रही, तो उनके साथ आजीविका जो है उनके लिए दिक्कत क्रिएट कर रही है। मार्केट एसेस, एग्रीकल्चर पॉलिसी, इन्हीं 3 को लेकर के भारत ने वहाँ पर अस्वीकृति दी है। WTO ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज़ द WTO, इसके बारे में भी जानते हैं। WTO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एस्टेब्लिश होता है टू सुपरवाइज लिबरलाइज वर्ल्ड ट्रेड, पूरी दुनिया भर के व्यापार को सुपरवाइज करना और लिबरलाइज करना। WTO इज़ द सक्सेसर टू द जनरल एग्रीमेंट ऑन द टैरिफ एंड ट्रेड, पहले ये GATT नाम से चलता था, उसके बाद WTO में कन्वर्ट हुआ, जो कि क्रिएट हुआ था 1947 इन द एक्सपेक्टेशन that it would soon be replaced by a specialized agency of the UN be called the International Trade Organization. Although International Trade Organization ये कभी metallized नहीं होता, GATT proved remarkably successful in liberalizing world trade over the next 5 decades. By the late 1980s, there were calls for a stronger multilateral organization to the monitor trade and resolve ट्रेड डिस्प्यूट्स। इसके बारे में कि ये ऑर्गेनाइजेशन है, पहले ये 1947 में GATT नाम से था, उसके बाद ये क्या करता है, ये स्ट्रॉन्गर मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्रेड को मॉनिटर करता है और ट्रेड डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है। फॉलोइंग द कम्प्लीशन ऑफ द उरुग्वे राउंड ऑफ मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशन, WTO बिगिन ऑपरेशन ऑन 1st जनवरी 1995 में इसने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया। नेक्स्ट
वॉट इज़ द WTO, हु WTO आर द, इसके मैनी रूल्स हैं, ये ऑपरेट करता है ग्लोबल सिस्टम ऑफ द ट्रेड रूल्स, इट एक्ट्स एज अ फोरम फॉर नेगोशिएटिंग, जो ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, समझौते होते हैं, उनको नेगोशिएट करने का भी काम करता है और सारे ट्रेड डिस्प्यूट्स को भी सेटल डाउन करता है जो भी इसके मेंबर सदस्य कंट्रीज है, मेंबर कंट्रीज होती हैं उनके बीच. फिर वॉट WTO डू, ऑल मेजर डिसीजन जो हैं वो WTO द्वारा लिए जाते हैं, आइदर बाई मिनिस्टर्स और बाई द एम्बेसडर एंड डेलीगेट्स, इनके द्वारा, और ये हमेशा मीटिंग जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में होती है और इसका हेडक्वार्टर है. WTO stands for a number of simple fundamental principles from the foundation of the multilateral trading system. Primary purpose जो WTO का है, ये open trade for benefit, सभी के लिए benefit देने वाला एक open trade है. कुछ WTO के फैक्ट्स, लोकेशन जिनेवा स्विट्जरलैंड है, 1 जनवरी 1995 में इस्टेब्लिश हुआ था ये, क्रिएटेड बाई उरुग्वे राउंड नेगोशिएशन जो कि 1986-94, मेंबरशिप में 164 मेंबर कंट्रीज़ हैं, बजट क्या है 197 मिलियन स्विस फ्रांस फॉर 2020, सेक्रेटेरिएट स्टाफ कितने हैं 623, इसका हेड अभी हमने पीछे पढ़ा है, डायरेक्टर जनरल यानी चीफ ऑफ द WTO निगोजी ओकोंजो एवेला. अब इसके फंक्शन क्या हैं अभी पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट को एडमिनिस्ट्रेट करना, ट्रेड निगोशिएशन पे ध्यान देना, ट्रेड डिस्प्यूट को सेटल करना और नेशनल ट्रेड पॉलिसी को मॉनिटर करना, और जो टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए उसकी हेल्प करना, कोऑपरेशन विद अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना. तो ये रहे आपका WTO के बारे में डिटेल. तो अभी हमने इसके बारे में बात की थी, ये इस पर जो मीटिंग होगी उसमें तीन ऐसे एग्रीकल्चर्स, आपकी फिशरीज और जो कोविड वैक्सीन बनी हुई है, इस पर इन्होंने, मोदी जी ने इसमें रिस्ट्रिक्शन कम लगाने की बात कही है WTO से, इसीलिए उन्होंने जो प्रस्ताव था उसको अस्वीकृत कर दिया है जिससे लोगों को फ़ायदा हो. अब उसके फेवर में 82 कंट्रीज़ आ रही हैं जो कि इंडिया की बात को सही बोल रही हैं कि इन्होंने जो बोल रहे हैं आजीविका को इजी वे में करना चाह रहे हैं. हाँ चलिए, ये था आपका WTO के बारे में. तो इसको पूरा एंड तक देखिए, इससे जो रिलेटेड आपकी नॉलेज है उसको अपडेट करिए.